नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी हम हैं मंडी में और हम घूमने जा रहे हैं लाहौल स्पीति। आज का जो हमारा प्लान है उसमें हम मनाली में घूमेंगे। मनाली में हमने आज विशिष्ट और जोगिनी वाटरफॉल जाना है और शाम को हम मनाली में ही स्टे करेंगे। कल मॉर्निंग में अटल टनल से होते हुए हम त्रिलोकीनाथ मंदिर जाएंगे और फिर वहां से मृकुला देवी मंदिर से होते हुए वापिस आएंगे। तो देखते हैं हमारा आज का सफ़र कैसा रहता है। अभी हमने मंडी बस स्टैंड को क्रॉस किया, तो मंडी से लेके पंडोह तक का रास्ता यहाँ पर काफ़ी जाम लगता है क्योंकि यहाँ पर आजकल कटिंग का काम चला हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी जाम रहता है। बाकी बीच बीच में फोर लेन रास्ता है तो वहाँ पर हम गाड़ी को इजीली भगा सकते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं पंडोह डैम के पास। ये जो पंडोह डैम है ये व्यास रिवर के ऊपर बना हुआ है और 1977 में ये बनकर तैयार हो गया। यहाँ से पंडोह डैम का व्यू बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर आजकल जो नया फोर लेन बन रहा है उसकी टनल्स का काम चला है और कुछ एक फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर जाम ज़्यादा होता है और रोड की कंडीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं हनोगी। मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे हनोगी माता का टेम्पल है, बहुत ही पहाड़ी पे है और एक यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं दूसरा टेम्पल है। अभी हम क्रॉस करने वाले हैं और टनल को। ये जो और टनल है इसकी लंबाई अराउंड 3 किलोमीटर्स है। ऑट से लेके मनाली तक का जो रोड है वो मैक्सिमम जगह पर फोर लेन ही है, तो यहाँ का जो सफ़र है वो बहुत अच्छा रहा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मनाली। अब हम विजिट करेंगे वशिष्ठ ऋषि के टेंपल में, फिर उससे थोड़ा सा आगे जोगिनी वाटरफॉल पड़ता है, तो फिर हम वहां पे भी आज विजिट करेंगे। तो यहां पे हम रुके थे पेट्रोल डलवाने के लिए। अब यहां से हमने एक लिंक रोड ले लिया जो कि टेंपल की तरफ जाता है। गाड़ी को पार्किंग में लगाने के बाद हम जा रहे हैं अभी टेंपल की तरफ, लेकिन हमने ये डिसाइड किया है कि सबसे पहले हम जोगिनी वाटरफॉल जाएंगे और उसके बाद आते टाइम हम यहाँ पे टेंपल के पास रुकेंगे। तो चलिए
दिखाते हैं आपको जोगिनी वाटरफॉल। जोगिनी वाटरफॉल का जो ट्रैक है वो वशिष्ठ ऋषि के टेंपल से 2 से 2.5 किलोमीटर तक है। तो थोड़ा सा ये जो ट्रैक है ये प्लेन है और आधे ट्रैक में इसमें चढ़ाई है। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उसके आसपास का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। हर तरफ हरियाली है और रास्ते में हमें देवदार और एप्पल की ट्रीज देखने को मिले। तो आप ऊपर देख सकते हैं ये हमारी डेस्टिनेशन है, ये है जोगिनी वाटरफॉल, हमने इधर तक जाना है। अभी हम पहुंच गए हैं जोगिनी वाटरफॉल और यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं कि जो वाटरफॉल है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस वाटरफॉल की हाइट अराउंड 150 मीटर है और यहाँ पर पानी पहाड़ों के बिल्कुल बीच में से गिरता है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और यहाँ पर काफ़ी लैंडस्लाइड होता रहता है। तो यहाँ पे विजिट करने का जो सबसे अच्छा मौसम है वो है गर्मियों का मौसम। तो आप देख सकते हैं हमने वाटरफॉल के पास काफ़ी ज़्यादा मस्ती करी है और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं वाटरफॉल के काफ़ी नज़दीक चला गया था, जैसा कि आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। वाटरफॉल के पास काफ़ी हवा चली होती है तो उसकी वजह से पानी की ड्रॉपलेट्स काफ़ी दूर तक चली जाती हैं। तो अगर आप इसके काफ़ी दूर भी खड़े होंगे तब भी आप उन ड्रॉपलेट्स से इजीली फेंक जाओगे। इस वाटरफॉल के नीचे काफ़ी रेनबोज बनते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक पूरा सर्कुलर रेनबो। तो यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करने के बाद अब हम वापिस जा रहे हैं विशिष्ट टेम्पल की तरफ। आती बार हमने एक शॉर्टकट रास्ता लिया तो उसकी वजह से हम नीचे थोड़ा जल्दी पहुंच गए। अभी हम पहुंच गए हैं विशिष्ट, तो यहाँ पर 3 मंदिर हैं जिसमें एक मंदिर ऋषि विशिष्ट का, एक भगवान भोलेनाथ का और एक भगवान श्री राम जी का है। यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे हैं जहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के नहाने की अलग अलग व्यवस्था की गई है, क्योंकि
हम भी झरने के पास काफी भीग गए थे, तो हमने यहाँ पर आकर गर्म पानी के कुंड में स्नान किए। इसके बाद मनाली में आके हमने डिनर किया और फिर हम मॉल रोड घूमने चले गए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है, तो काफ़ी टूरिस्ट मनाली घूमने आते हैं। हम यहाँ पर थोड़ी देर रुके, फिर हमने यहाँ पर कुछ शॉपिंग करी और उसके बाद हम अपने होटल रूम चले गए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे त्रिलोकीनाथ और मृकुला देवी टेम्पल, तो बने रहिएगा हमारे साथ।